भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है मंडे और 9th of November है आज। सो अभी 11:30 हो चुका है एंड मैं नहाकर बस अभी आई हूँ। आदू को भी नहला दिया है, आशु ऑफिस चले गए हैं और अभी मैं आदू को ब्रेकफास्ट कराऊंगी। सो सुबह सुबह मैंने उसको दूध दे दिया था, बनाना खा लिया है वो, थोड़े से मैंने उसको डेट्स खिला दिए हैं और अभी मैं उसके लिए रोटी बनाऊंगी। सो सुबह भिंडी बनाया था तो रोटी मैंने सुबह अपने लिए तो बना लिया था, बट आदू के लिए थोड़ा गरम गरम बना दूंगी। सो वो हो जाएगा अभी। सो ब्रेकफास्ट करते हैं, अभी उसको खेलने के लिए बैठाया मैंने, वो खेल रहा है, साइकिल चलाने में बिजी है अभी। सो सोचा कि आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, ब्लॉग का स्टार्ट भी कर देती हूँ। आदू से हाय। आदू साइकिल, ओके ठीक है साइकिल चलाओ। सो अभी तो इसको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे साइकिल चलाने में, क्योंकि इस वाले फ्लैट में काफी स्पेस है। सो आराम से ड्राइंग रूम से लेकर पूरा बालकनी, रूम के बालकनी तक साइकिल चलाता है, बट जहाँ हम जा रहे हैं वो घर थोड़ा सा छोटा है, वहाँ स्पेस कम है। सो देखते हैं, बट यहाँ वो चीज़ है कि वहाँ का जो प्ले एरिया है वो काफी अच्छा है, नीचे में तो बच्चे लोग खेल रहे थे, सैनिटाइज वगैरह सब होता ही है वहां पर भी, हमने पता किया था। सो वो एक अच्छा चीज है, तो शाम को नीचे जा सकता है, सुबह को भी मैं देखूंगी तो नीचे लेकर जाऊंगी। सो ये एक अच्छा हो सकता है। हाय आदू, ये क्या है? पार्ले जी। अच्छा तुम किसको दिखा रहे हो पार्ले जी, पहले बताओ। आदू नाई नाई कर लिया? कौन कराया नाई नाई? ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं खाते, मम्मा देगी, दो दो मम्मा देगी। अभी इसको दे दिया बिस्किट, तो बिस्किट खाना है, बिस्किट खाना है। तो मैं चलती हूँ, पहले फटाफट से रोटी वगैरह बना लेती हूँ, जो भी है काम वो फिनिश कर लेती हूँ, बाकी के तो मैंने कर ही लिए हैं। और मतलब इतना टाइम हो ही जाता है करते करते सब कुछ, और उसके बाद मतलब पूरा फ्री होती हूँ मैं, लंच वगैरह करके 1:30 बज जाता है। अभी मुझे कपड़े भी डालने हैं, अभी मैंने डाला नहीं है कपड़े, सो कपड़े डालूंगी। और आज सोच रही हूँ कि आदू का जो सॉफ्ट टॉयज वगैरह है ना सारा, वो सब वॉश करूंगी, जो छोटे छोटे हैं वो तो मशीन में ही हो जाएंगे, एंड बड़े वाले बाद में देख खाना है, एंड बड़े बड़े जो सॉफ्ट टॉयज है उनको हाथ ही से वॉश करना पड़ेगा, तो वो देखती हूँ, वो शायद कल कर लेंगे। लो खा के देखो, एक बिस्किट देखो खा के कैसा है, दो पार्ले जी। तो चलिए काम में लगा जाए एंड थोड़ा सा नाश्ता ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा आराम किया जाए, और उसके बाद फिर देखती हूँ कि क्या करती हूँ। ऊपर धुप्पू लग रहा है तुमको, पीछे जाओगे तब तो। व्हाट आर यू डूइंग आदू? क्या करे बेटा, उसको क्या करें, मामा चलाएगी। अच्छा टन टन डिकचक 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 ए डिकचिक 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 डिकचिक। सो गाइस अभी 12 हो चुका है एंड आदू और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, एंड धूप देखिए कितनी तेज है यहाँ पर बालकनी में, एंड यहाँ पे आदू साइकिल चला रहा है। सो इसको कभी कभी मन करता है छोटा बेबी बन जाने का, और मतलब इसको आता है साइकिल चलाने, फिर भी बोल रहा है मम्मा साइकिल चलवाओ। इधर कुछ शायद काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, एंड अभी मैं जाऊंगी कपड़े डालूंगी, चाय पीऊंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, और वो भी विंटर्स के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बस यही सब है, एंड कपड़े जब धुल जाएंगे तब आदू के सॉफ्ट टॉयज धोऊंगी। इसी बीच मुझे थोड़े से एक ब्लॉग जो है वो पोस्ट करना है, सो 6th of November का ब्लॉग रहेगा वो,
क्योंकि मैंने 7th और 8th मतलब कल और परसों कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, फिर आज से स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। अनादू का बॉटल जो है वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, सो अभी थोड़ी देर में उसको दूध दूंगी जब उसका वाटर बॉयल हो जाएगा एंड मैं पीऊंगी चाय। सो जो सेकंड वाली चाय होती है ना, जो ब्रेकफास्ट के बाद वाली जो चाय होती है, वो मेरी फेवरेट होती है क्योंकि बहुत मज़ा आता है पीने में। मुझे पता नहीं, जो लोग को चाय पसंद होगा उनको पता होगा ये चीज़। और सुबह वाली तो चाय जो होती है वो तो अच्छी होती ही है, मूड फ्रेश करने वाला, दिन का शुरुआत करने वाला। बट ये वाली जो चाय होती है इसमें एक क्या बोलूँ, एन्जॉयमेंट वाली चाय होती है मेरी। आज मैं कुछ चाय चाय ज़्यादा कर रही हूँ। खैर एनीवेज, पहले चाय पी लेती हूँ। अनादू को ना मैंने बैठाया हुआ है वहाँ पर बेडरूम में ही खेलने के लिए, तो वहीं पर मैं जाऊँगी एंड लैपटॉप देखिए मैं लेकर घूम रही हूँ, क्योंकि वो उठा कर घूम रहा था उसको एंड ऑलरेडी वो उसको तोड़ चुका है, ख़राब कर चुका है। सो अभी मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा वो उसको कुछ कर पाने, तो आशा तो मेरी वॉट लगा देंगे। सो चलिए चाय का मज़ा लिया जाए। आज आतू के सॉफ्ट टॉयज़ ने भी शार ले लिया अच्छे से, वो भी वॉशिंग मशीन में। सो कुछ ही टॉयज़ जो आए मतलब वॉशिंग मशीन में एक राउंड में आए हैं, वो मैंने वॉश कर दिया है, बाकी के अब कल करूँगी। सो एक बार में ये सब भी सूख जाए ना, जगह भी तो चाहिए सुखाने के लिए। सो इसी वजह से मुझे तो पर्सनली सॉफ्ट टॉयज़ इतनी ज़्यादा पसंद है, शुरू से ही बचपन से मम्मी से मैं हमेशा खरीदवाते रहती थी। और आज देखो अपने ही चौथ बेबी के लिए करी। सो गाइस अभी बच गया 4 और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। सो आज ना ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत लेट से हुआ, और लाइक ऐसे ही मेरा 11:30-12 बज ही जाता है खाने में। सो हैवी हो गया था, रोटी सब्जी खाया था तो भूख नहीं लगी थी। सो लंच आज मैंने स्किप किया और अभी 4 बज रहे हैं तो मैं अपने लिए चिला बना रही हूँ एंड क्विकली बन जाता है, हेल्दी भी होता है। तो मैं बेसन, सूजी और थोड़ा सा उसमें आटा भी मिला देती हूँ, जो डेली यूजेस में हम लोग जो रोटी खाते हैं वो वाला। सो हेल्दी भी हो जाता है एंड क्विकली बन जाता है। थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल दिया, अजवाइन एंड थोड़े से हल्के मसाले वगैरह डालकर हल्दी वल्दी वही मैं बना रही हूँ अभी। तो अभी मैं ये खाऊंगी और आदू के लिए मैंने खिचड़ी बना दिया है तो उसको खिचड़ी खिलाऊंगी और वो भी उठ गया है सोकर। सो उसका ऑलमोस्ट डेली का यही रहता है कि दोपहर को वो दूध पीकर सो जाता है, तो आज तो जल्दी सो गया, तो मतलब 1:30 बजे के करीब सो गया था तो जल्दी उठ गया है वो। अभी 2 बजे सोया था सो अभी जल्दी उठ गया है, तो अभी उसको खिचड़ी खिलाऊंगी। अगर लेट से सोता है तो लंच करके फिर उसको सुलाती हूँ। अभी बैठ कर आराम से अपना कुछ राइम्स वगैरह देख रहा है, तब तक मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। एंचिला जो है वो रेडी हो गया है, सो अगर वो खाएगा फिर उसको मन होगा तो उसको भी खिलाकर देखूंगी, और नहीं तो फिर खिचड़ी खिलाऊंगी उसको। सो सुबह से कैसे शाम हो जाता है पता नहीं चलता है ना, ऐसे कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ, बट आज नहीं सोई मैं, दोपहर को मन नहीं कर रहा था सोने का। आज मैंने सोचा कि फिर सो जाती हूँ ना तो रात में बहुत लेट हो जाता है, तो आज से मैंने सोचा है कि नहीं थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करूंगी रात को भी, ताकि सुबह सुबह एकदम फ्रेश होकर सोकर उठूँ। सो क्योंकि मैं ना बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आज भी सुबह सुबह बहुत लेट हो गया था। लाइक मैं उठी हूँ 7:15 के करीब, 7:15 में मैं उठी हूँ और जल्दी जल्दी सीधे डायरेक्ट आके आशु का लंच बनाया मैंने
ऐसे थोड़ा जल्दी उठूंगी तो अपने लिए भी टाइम मिल सकता है, लाइक आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर भी काम कर सकती हूँ सुबह सुबह। सो बस यही है। सो चलिए फिर आप लोगों से बातें करते करते चिल्ला भी बन गया। सो अभी मैं इसको खाती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। क्या बेटा, इतने सारे बर्ड्स हैं? हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा था? फ्लाई कर रहा था स्काई में। अच्छा, क्लाउड्स में। अच्छा, आदु क्या कर रहे हो? आदु, हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई कर रहा था? उड़ के चला गया। कहाँ चला गया बेटा उड़ के? भैया के पास। बैठा हुआ था भैया? अच्छा, और बर्ड्स कहाँ है? बर्ड्स मामा, बर्ड्स बर्ड्स क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे है ये। और हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ा था बेटा? कैसे फ्लाई कर रहा था हेलीकॉप्टर? पिजन कहाँ है बेटा? पिजन उड़ गया। पिजन उड़ गया। कांतू कहाँ है? दादाजी कौन है? यहाँ पे दादाजी। अच्छा, दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अंदर कुकी। आदि क्या कर रहे मामा? तुम बताओ क्या कर रहे हैं आदु? तो गाइज अभी बज गए 6 और मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और अभी मैं डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो आज मैंने आशु से फ़ोन करके पूछा था कि क्या खाएंगे। सो मैंने पहले सोचा था ना कि सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी, बट उनको मन नहीं था खाने का अभी, तो कल मॉर्निंग में ही बन जाएगा वो। सो अभी मैं बना रही हूँ पनीर, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स जो था वो ख़त्म हो चुका है। एंड सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बटर लिया है। बटर को जैसे ही मेल्ट हो जाता है तो मैंने ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ पर मिर्च भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने नहीं किया है। और यहाँ पर प्याज मैंने 2 से 3 बड़े, मतलब बड़े साइज के ही प्याज थे, उनको चॉप कर लिया था चॉपर में, और ब्राउन होने तक मैंने उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया एंड टमाटर भी अच्छे से फ्राई कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने सूखे मसाले जो हैं वो ऐड किया। तो सूखे मसाले में मैंने हल्दी, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड करके और उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड किया है, एंड मैंने बहुत ही मिनिमम थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सब कुछ ऐड किया, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ा सा बना रही हूँ, बस 2 आदमी के लिए बनाना है। सो 250 ग्राम के करीब पनीर जो है वो मैं बना रही हूँ, जो अमूल का आता है वही, एंड बहुत ईजी रेसिपी है, क्विकली बन जाता है। और जैसे ही मसाले भुन जाएंगे तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पनीर मसाला ऐड किया, जो शाही पनीर का मसाला आता है ना, या नॉर्मल पनीर के भी मसाले आते हैं वो, और हल्का सा मैंने यहीं पे गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। सारे मसाले को भून लेंगे अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर के साथ, एंड मसाले जब भुन जाएंगे तो उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। सो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, जितनी भी कंसिस्टेंसी चाहिए उसी के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी के करीब पानी डाला था, और अच्छे से मैं इसको बॉईल कर लूँगी, एंड बॉईल करने के बाद फिर पनीर ऐड कर दूंगी। पनीर मैंने फ्राई नहीं किया है, ये कोई फिक्स रेसिपी नहीं है, बस मेरा ऐसे इन्वेंट किया हुआ रेसिपी है, बट अच्छा लगता है। सो पनीर को भी अच्छे तरीके से ग्रेवी में पका लेंगे हम लोग, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी हैंड से क्रश करके ही ऐड कर दिया है। अच्छे से हम लोग मिला लेंगे, एंड देखिए पनीर जो है वो ग्रेवी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो उसके बाद मैंने लास्ट में यहाँ पर क्रीम ऐड किया है, क्रीम को भी अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद बस गैस बंद कर देंगे, और हमारा झटपट सा पनीर का सब्जी जो है वो रेडी हो गया है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, इस मेथड से भी बनाकर बहुत टेस्टी लगता है। इसमें आपको ना ही काजू का पेस्ट चाहिए, ना ही कुछ और चाहिए। यहाँ पे अगर आप ये जो क्रीम है वो भी नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी बिना क्रीम के भी मैं बनाई हुई हूँ इस तरीके से, वो भी बहुत टेस्टी लगता है सब्जी बनने के बाद। सो बस सब्जी बन गई है, इसको मैंने कंटेनर में डाल दिया है दूसरे, और उसको रख दूंगी, और साथ ही साथ इसके मैं बना लूंगी राइस।
सो आज दिन में राइस नहीं बनाया था, तो आज शाम को राइस बन जाएगा डिनर में। तो एक टाइम हमारे घर पे राइस तो जरूर बनता है। सो पनीर की सब्जी इसलिए नॉर्मल से राइस नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा जीरा राइस बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसमें मैं ऐड कर दूंगी जीरा, और साथ ही साथ जो गरम मसाले होते हैं ना, खड़े गरम मसाले लाइक लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर तेज पत्ता भी ऐड कर दिया था। और मिर्च मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि पुलाव टाइप का ही हल्का सा बना रही हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं लाइक काजू किशमिश। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब चावल लिया है एंड उसको हल्का सा फ्राई किया था, एंड 2 कटोरी के करीब पानी ऐड कर दिया। अच्छे से मैंने मिला लिया है ताकि नीचे जो है वो चिपके नहीं। और उसके बाद लास्ट में नमक, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चीनी डाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चीनी डाला हुआ है, बट टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हल्का सा नींबू ऐड किया, यहाँ पे आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, बस 2 सीटी लगाने तक इसको हम लोग पका लेंगे। अच्छा बाल को कैसे बना लेते हो? मेरा घर खाली करने 5000 रुपये सोसाइटी को देना है। क्यों 5000 रुपये सोसाइटी को देना है? दिमाग सीढ़ी यूज करो बाबू, तो 5000 दोगे सीढ़ी यूज करने का? चेक लेकर फिर बाद में। ये कौन सा तरीका है? ये है कि इनके अगर आप लिफ्ट यूज किए तो आपको पैसा कट जाएगा। चलो लो चाय पी। अगर लिफ्ट यूज किए तब ना। बाप रे, ऐसा लग रहा है कि आज अभी बज चुके हैं 7:30, मतलब अभी बजा नहीं है, 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। सो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग एंड कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ही मैंने आज ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया था। आशु भी ऑफिस से आ गए हैं, आदू जी मस्ती कर रहे हैं। बाप रे, इसमें क्या था बेटा? इसमें क्या था? इसमें क्या था आदू? क्या था आदू? इसमें क्या था? अभी आदू पूरा पापा आए हैं तो पूरा खेलने में बिजी है, परिक्रमा करने में लगा हुआ है लड़का। किधर आ जाओ ना बेटा। सो गाइस चलिए फिर ठीक है, अभी हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं। आशु जी का प्रोग्राम है इनका कि आज हम लोग लक्ष्मी देखेंगे, लक्ष्मी देखेंगे, लेकिन मुझे एडिटिंग करना है तो आज मैं तो नहीं देखते। एडिटिंग कर सकते हो, अच्छा एडिट हो जाएगा। मतलब हॉरर कॉमेडी है ना, तो थोड़ा डर के थोड़ा हंस के अच्छा एडिट। लेकिन वो तो ये है ना, रीमेक है ना मूवी का जो हम देख रहे हैं, थोड़ा अलग है। सो देखते हैं अभी क्या होता है प्रोग्राम। आई डोंट नो, खाना मेरा बन चुका है, ये मेरा बहुत बड़ा एक काम हो चुका है। और आशु का तो प्रोग्राम था कि आज बाहर से खाना खाया जाए और बैठ के यहाँ पे एंजॉय किया जाए, बट जिस दिन मेरा एकदम मोटिवेशन स्टार्ट होता है ना कुछ करने का, नहीं मुझे टाइम से सब कुछ कर लेना, उसी दिन आशु का मूड हो जाता है कि नहीं आज वही घर पे खाना पड़ेगा। जैसे 9 महीने से अच्छा, आज टेस्टी टेस्टी पनीर एंड पुलाव बनाया मैंने। ये क्या सिंपल ही रेसिपी है बट बहुत अच्छी मतलब अच्छा लगता है, और मेरा खाना जो रहता है फटाफट से बनने वाला रहता है आदू की वजह से। और आज बहुत अच्छे से बिहेव किया वो, जितने देर भी मैंने मतलब खाना मैं बना रही थी तो वो आराम से खेल रहा था। भले उसने लगा दिया था पेपा पिक, बट बस साउंड उसको आ रहा था, अपना आराम से फुटबॉल खेला, फिर उधर जाके अपना सैंड टॉयज से खेला, तो काफी अच्छा रहा। खाना फटाफट बनाया, समझ सकते हैं कैसा बना, खाने के बाद बताएंगे। खाने के बाद क्या बताओगे, अभी तो हम ब्लॉग एंड ही कर रहे हैं। पेट देखो, पेट वही सब खाने का नतीजा है। तो बाहर से खाना चाहते हैं। अच्छा बाहर से खाना से और बाहर ही निकलेगा, अंदर नहीं आएगा ना बेटा। बोलो पापा बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना है, कभी कभी जब मम्मा को मन नहीं करेगा बनाने का तब। डॉक्टर बन गए हो, चेक कर लो पापा का पेट कितना फैट है। सो बस किचन क्लीन करना है अभी, तो फिलहाल चाय एंजॉय कर लेती हूँ अपना, एंड उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड आल्सो टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, सी यू सून इन अनदर ब्लॉग। और राधु जी अभी डॉक्टर बने हुए हैं। व्हाट हैपेंड? चाय गिरा दिया। कहाँ गिर गया चाय? वाइप्स लेकर पापा पहुंचे, वो वहां पे वाइप्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पापा को चेक करो। हाँ वो वाइप्स लेकर वहां से पेटू में लगा है।